हरियाणा के जींद के गांव निडानी निवासी सीआरपीएफ जवान जम्मू कश्मीर के उधमपुर में डूंडू बसंतगढ़ इलाके में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। देर रात उनके शहीद होने की सूचना आने के बाद गांव में मातम छा गया। जानकारी होते ही उनके घर पर गांव के लोगों का आना जाना शुरू हो गया। 54 साल के कुलदीप मलिक जल्द ही डीएसपी के पद पर पदोन्नत होने वाले थे। दोपहर करीब 3 बजे के बाद आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के संयुक्त दल पर आतंकवादियों ने जमकर हमला बोल दिया। बस वही उम्मीद थे जी, कुछ ले गए, अब रह क्या गया। अब हमारे पास तो कल त्योहार था, तो उसके उसमें बात हुई थी भाई यही कि बस त्योहार अच्छे से मनाना, अपने आराम से रहना, प्यार से। हाँ, अगले महीने जन्मदिन है जी मेरा, उस पे आने की बोल रहे थे। मैं हूँ, माँ छोटा भाई है जी, शादी हो रखी है दोनों की हमारी। आर्मी में हूँ जी, डिफेंस ORPF में। बस वो ऑपरेशन चले रहे हैं 2-3 महीने से, ज़्यादा बढ़ गया ये टेररिस्ट वाला। तो वहाँ ऐसे ही माँ पापा बच के अपने ध्यान से बोला बेटा बहादुरा वाली जिंदगी जी है, अपने वाई जीते रहेंगे। हम बदला तो लेना ही चाहिए जी, और हर रोज अपने माँ अपने बेटों को खो रही है, कोई बच्चा अपने बाप को खो रहा है, कोई भाई खो रहा है, तो बदला तो लेना ही चाहिए जी, जरूर तो जरूर। और क्या, जींद जिले के गांव निडानी निवासी सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप मलिक उसमें शहीद हो गए। कुलदीप मलिक का परिवार फिलहाल अपने बेटे के साथ दिल्ली में रहता है। उनके 2 बेटे संजय और नवीन हैं। संजय रेलवे पुलिस दिल्ली में तैनात है, तो नवीन सेना में है। एक अधिकारी ने बताया कि उधमपुर के रामनगर के चील इलाके में सीआरपीएफ की नियमित गश्त के दौरान आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर शहीद हो गए। शहीद की पहचान कुलदीप के रूप में हुई है। हमारे पास 3:30-4 बजे फोन आता है कमांडर का जी, भैया ये कहा था कि ऐसे ऐसे आपके भाई को ऐसे गोली लग गई है, ऐसे ऐसे अपना हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये मैसेज आया कि वो शहीद हो गई। हमारी बात कल सवेरे भी हुई थी जी, एक बार सवेरे भी बात हुई थी लड़के की उनसे कि मैं अभी ठीक हूँ, कोई वो नहीं है। 3-4 महीने से वो छुट्टी आने की कह रहे थे, रक्षाबंधन में भी बोल रहे थे कि आएंगे, लेकिन वो छुट्टी नहीं मिली, वो आ नहीं सके। स्वभाव था जी, बहुत नरम स्वभाव था भाई का, सारे गाँव से मिलनसार थे, किसी को कुछ कहते नहीं, कोई कह देता था तो चुपचाप घर आ जाते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। कभी किसी के साथ कोई कया सुनी नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ उसके उनके साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।